नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पोल्ट्री केयर। दोस्तों, मैं 2011 से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूं और आप लोगों के लिए लाभकारी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, कृपया मेरे सभी वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बर्ड का 33वां दिन है और 33वें दिन की सुबह मैं आप लोगों को अपने फार्म का मैनेजमेंट दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं प्रतिदिन 8 बजे सुबह से फीडर ऊपर उठा देता था और फिर शाम को 6 बजे फीडर नीचे करता था, लेकिन आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए मैंने 7:30 बजे ही फीडर ऊपर उठवा दिए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये दिन में बर्ड फीड खाने को नहीं पाएंगे तो ये दिन में भूखे रह जाएंगे, बल्कि ये बर्ड फीड को स्टोर कर लेते हैं। जो इनके आहार नली होती है उससे जुड़ी हुई एक क्रॉप होती है, देखिए दोस्तों ये क्रॉप दिखाई पड़ रही है, देखिए इसमें इन्होंने फीड स्टोर कर लिया है। जब भी हम फीडर ऊपर उठाते हैं तब बर्ड को पता रहता है कि दिन में फीड नहीं मिलेगा, तो बर्ड अब फीड को जल्दी जल्दी स्टोर कर लेते हैं और फीड इनकी क्रॉप में भरा रहता है, फिर धीरे धीरे दिन में उसी से इनको फीड मिलता रहता है। तो दोस्तों, मैं अपने फार्म में टहल कर देख रहा हूँ कि फार्म में कोई कमी तो नहीं है। भूसी की गुड़ाई कर दी गई है और पानी के बर्तन अभी साफ किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी जब आपके फार्म में बर्ड बड़े हो गए हों और गर्मी बहुत पड़ रही हो तो दिन में फीडर को ऊपर उठा दिया करें, नहीं तो फिर दिन में मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर दिन भर ये बर्ड फीड खाते रहते हैं तब फीड में बहुत ही एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी वाला फीड होता है, तो एनर्जी वाले फीड से हीट जनरेट होती है, यानी कि इनको गर्मी बहुत लगती है, इसलिए दिन में बर्ड को फीडिंग नहीं कराना चाहिए गर्मी के मौसम में। और दोस्तों, गर्मी से बचाने के लिए हमें सारे उपाय करने हैं कि बर्ड को गर्मी ना लगने पाए। देखिए दोस्तों, दूसरे वाले फार्म में भी फीडर ऊपर उठा दिए गए हैं। बहुत से फार्मर भाई पूछते हैं कि फीडर ऊपर उठा देने से इनके वेट पर तो असर नहीं पड़ता है क्योंकि ये बर्ड भूखे रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बर्ड के वेट पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि ये जब इनको फीड खाने को मिलता है उतनी ही देर में ये अपना 24 घंटे का फुल फीडिंग कर लेते हैं। दोस्तों, जब बर्ड बड़े हो जाएं और गर्मी बहुत पड़ने लगती है तब थोड़ा इनके वेट पर असर इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने से इनका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, इसलिए इनका वेट थोड़ा कम आता है। देखिए दोस्तों, इस समय रात का समय है, मतलब शाम का समय है, अंधेरा हो गया है और प्रतिदिन तो हम 6 बजे के बाद शाम को फीडर नीचे कर देते थे, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी दिन भर, तो इसलिए अभी भी गर्मी फार्म के अंदर बनी हुई है। दोस्तों, जितना गर्मी बाहर रहती है उससे ज़्यादा गर्मी फार्म के अंदर रहती है क्योंकि फार्म के अंदर जो ये लिट्टर बिछी होती है इसकी भी गर्मी होती है और इतने बर्ड होते हैं इनकी भी गर्मी होती है। अगर बाहर से तेज़ हवा चलने लगे तब फार्म के अंदर की गर्मी निकल जाती है। अभी थोड़ी देर में जब टेम्परेचर थोड़ा कम पड़ जाएगा तब हम फीडर को नीचे कर देंगे। दोस्तों, आप लोग भी अपने फार्म में ऐसा ही करें, अगर शाम के समय गर्मी बहुत पड़ रही हो तब थोड़ा और इंतज़ार कर लें और फीडर को जब नीचे करें उस समय आपके फार्म के पंखे चलते रहें। जब फीडर को हम नीचे करते हैं तब बर्ड दौड़ दौड़ के सभी बर्ड फीडिंग करने लगते हैं, तो उस समय भी फार्म के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, तो उस समय पंखे ज़रूर चलाए रखें। और दोस्तों, इनका
वेट बढ़ाने के लिए हम इनको अब प्रतिदिन रात में ब्रोटोन लीवर टॉनिक देंगे। दोस्तों बर्ड के लीवर में कोई कमी नहीं है, इसलिए हम ब्रोटोन की डोज रखेंगे 100 ml 1000 बर्ड पर, और ऐसा हम लिफ्टिंग के दिन तक करते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी अपने फार्म में ऐसे ही करिए। तो ये मैंने आप लोगों को 33वें दिन का मैनेजमेंट दिखाया और मेडिसिन के बारे में बताया। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी दर्शकों का धन्यवाद।